हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सुबह का मॉर्निंग का 60 मिनट फास्ट क्लीनिंग रूटीन जो मैं रोज करती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ मैं किचन में सबसे पहले बर्तन से, क्योंकि बर्तन क्लीन होने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह करने में ईजी रहता है, गंदगी कम होती है, गीला नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ बर्तन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्लीनिंग। एक चूल्हे पे मेरी चाय बन रही है, इसलिए मैं एक को ही क्लीन कर रही हूँ, उसको बाद में करूंगी। और ये वॉल जो गैस के पास होती है ये सबसे ज्यादा गंदी होती है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कुकर की सीटी से होता है, ऑयल वगैरह सब डिपॉजिट होता है, तो इसको साफ करना भी जरूरी होता है सबसे पहले। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। जब मैं उठती हूँ सब लोग सो रहे होते हैं, इसलिए मैं किसी को उठा के ये सब नहीं सही करती हूँ। तो अब मैं ये सब कुछ ठीक करने वाली हूँ। और ये ब्लैंकेट का कवर मुझे बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं इसे निकाल के धुलने के लिए डालूंगी मशीन में। हमारे बदलापुर का मौसम बहुत अजीब सा है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। रात के टाइम तो ठंडी हो जाती है, तो ब्लैंकेट्स रजाई वगैरह लेनी पड़ती है, और सोने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी मजा आता है ब्लैंकेट और रजाई में घुस के सोने में। अब मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को अरेंज कर रही हूँ, और ये मैंने ही बिखराया है सबसे ज्यादा, इसका इस्तेमाल मैं ही करती हूँ, और मेरा ही सारा सामान निकला है कभी किसी वीडियो के लिए तैयार होने के लिए या कुछ जरूरी पड़ जाता है उसी लिए। तो पहले से अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डस्टिंग। और अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो एक बार चीजें उठा के पोंछ देते हैं तो बेटर रहता है और सब कुछ क्लीन रहता है। अब बारी है हॉल की, देखिए कितना सामान फैला है। आदि की क्लास हो रही है तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी कि आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं वही चेक कर रही थी। और अब हम पहले सामान उठाएंगे फटाफट से और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग। आज ये बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, 3 से 4 दिन में बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, और ये तो बहुत जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे आगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, और यहीं पे खाना पीना सारे काम होते हैं, तो ये जल्दी गंदी होती है। ये ज्यादा देर इतना सजा नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद ही सब इधर उधर हो जाता है। और ये है स्टडी टेबल, और जिसको जो भी जहां भी सामान मिलता है लाके यहीं जमा करता है, तो इसे भी दिन में 2 बार अरेंज करना पड़ता है। और टेबल बहुत गंदी है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं झाड़ू,
और देखिएगा कितना कूड़ा निकलता है आप, और रोज ही मेरे घर से इतना कूड़ा निकलता है, कभी कटिंग हो रही है, क्राफ्टिंग हो रही है, ग्लू चिपकाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कितना भी मैं साफ कर लूं रहता वैसा का वैसा ही है। देखिए आप कितना कूड़ा निकला है, और सबसे ज्यादा इसमें पेपर के टुकड़े हैं, कैंची लेके कटिंग किए गए हैं, कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग होती रहती है। अब लगाते हैं पोछा। तो यहाँ पे मैं फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी कभी मैं पानी में नमक का इस्तेमाल भी करती हूँ, और बोलते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग कि नमक डाल के पोछा लगाने से जो घर की निगेटिविटी है वो दूर होती है और चींटियाँ भी कम आती हैं। तो कभी कभी आप नमक डाल के भी पोछा लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ। तो ये भी आज एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस क्लीनिंग ब्लॉग में। तो लगभग 50 से 60 मिनट मुझे लगते हैं इसको क्लीन करने में, और घर जो है बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।